मैं हरमोहन सिंह जख्मी अज जुलाई 20th 2014 1984 मैं 10th पास की सी लगभग 16-17 साल की उम्र होगी मेरी उस वे वह तो महीना ऐसा जरा भूल ही नहीं सकता। मेरे पिता जी गुरुद्वारे ग्रंथी से कलगीधर सिंह सभा लुधियाना ते सारा कुछ ब्लैकआउट सीगा, किसी नूं बाहर नहीं सी, करफ्यू लगे हुए सी। असी भी रहायश साडी गुरुद्वारे दे विच सीगी ते काफ़ी दिनों तो करफ्यू लग्या होया सी। 84 जून का जो ये घल्लूघारा होया सुनसान कित एक घंटे वास्ते करफ्यू खुलता सीगा तो लोग शॉपिंग करन, कोई दुध लैन, कोई किसी कोई समान लैन जाते सीगे। तो एक घंटे बाद सायरन वजदा सी, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते भी इट्स टाइम टू गो बैक होम। तो एक कलगीधर गुरुद्वारे के कोल खुड महला आया, उतों ना 5-7 सिंह तुरे आ रहे थे। पिता जी हुणां ने बाहर इदा हाथ खड़े करके कहा भी करफ्यू का टाइम ओवर हो गया, भी हुण गुरुद्वारे ना आओ, वापस चले जाओ। तो गुरुद्वारे के सज्जे पासे उन्होंने अपना मिलटरी का डेरा लाया होया सी। उन्होंने सोचा भी ये जिहड़े ज्ञानी है ना, ये कोई उन्होंने स्पीच दे रहे या भड़का रहे हैं। वो तो दौड़ गए सिंह पिछे, उन्होंने पिता जी को एक घंटा कुट दे रहे सड़क ते। करफ्यू बंद हो गया, सारी दुनिया करो करी देख रहे सी। असी भी उत्थे कोठे ते खड़ के पिता जी को एक घंटा, वो बिहारी लोग उन्होंने की पता जिहड़े CRP वाले जां मिलटरी आ, उन्होंने इन्नी खुल सीगी वी उह पिता जी को असी खड़ के देख रहे। पिता जी को बट्टा नाल मार रहे आ इधर उधर, फिर गुरुद्वारे दे मोहरे सिट के लिया। कहिंदे तू उन्होंने की कुछ भड़का रहा सी उन्होंने, वो कहिंदे नहीं मैं तो कह रहा सी भी वापस जाओ, करफ्यू लग गया है, एक घंटे का टाइम सीगा, यू गो बैक, चले जाओ अपने घर। मैं नहीं कुछ होर कहा, बट सुनदा ही नहीं सी कोई। राती 2 बजे मिलिट्री आई गुरुद्वारा साहब, असी देखना चाहते सी भी सानू 5 दिन हो गए अंदर गुरुद्वारे दे करफ्यू लगे, की हालात की ने बाहर की हो रहा। तो मैनू हाले तक याद है मेजर NN सैन बंगाली सी, वो आया गेट ते कहिंदा जी अंदर देखना ही है भी सारा कुछ ठीक है, कोई अतवादी या कोई इदां दे बंदे तां नहीं गुरुद्वारा साहब दे विच। तो एक सकत्तर भी साडे नाल करफ्यू दे विच उत्थे गुरुद्वारे बंद सीगे, बाहर नहीं घर नहीं जा सके, वह गुरुद्वारा साहब ही सीगे। तां वो आए अंदर देखिया सारा कुछ, वो कहिंदे भी ठीक है साडे नाल 5 जने चलो, साडा इत्थे कैंप है, असी उस कैंप जाके अपने बॉस नूं इनफॉर्मेशन देनी भी इत्थे सब कुछ ठीक है, कोई अतवादी नहीं, कोई इदां दी एक्टिविटी नहीं। बाहर दा माहौल देखण करके असी नौजवान सीगे भी देखिए बाहर की माहौल है, असी दौड़ के जीप च बह गए। जिसले जीप च बह गए साडा सकत्तर जिहड़े गुरुद्वारा साहब दे सकत्तर सी उह भी नाल बह गए। तो मेजर NN सैन कहण लगा भी तुहाडी लोड़ नहीं आ, जिहड़े 4-5 मुंडे मैं बिठा ले है ना, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਛ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਵੁਮੈਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਆਇਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਨਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਇਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਸਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ 25-30 ਜਾਣੇ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗੰਨ ਦੀ ਵੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ
कुत्ता आया मेरे को, मैं नहीं सी दसदा बट दे कैन सी मी वट आई एम डूइंग वट आई वो कहें भी तू गुरुद्वारे हो तुम अतवादी गुरुद्वारे रहने हो तुम मैं कहना जी मैं तो स्टूडेंट है दसवीं का स्टूडेंट है मैं पढ़ना मेरे पिता जी इतने ग्रंथी है कहते नहीं सानू रिपोर्ट आई है तुम टैररिस्ट हो तुम गुरुद्वारे पनाह ली हुई ओह मैनू जी इतना टॉर्चर किया आई वॉज अनेबल टू वॉक आफ्टर दैट एक घंटा दस जने मैं मार रहे रेगुलर मार रहे मैं मैं दिसदा नहीं सी वो मैं देख रहे सी उस तो बाद मैं चक के उत्थे सिटिया ही इज़ गॉन ही इज़ डैड बट गुरु साहब की कृपा हले साक हो चलता सी बट मैं तुर नहीं सी सकता मेरिया लत्तां सारिया उन्होंने मतलब पाड़ती खिच खिच के कोई रब की कुदरत ऐसी हुई मैं बार बार यही कह रहा मैं दसवीं का स्टूडेंट है कोई कद घाट उच्चा होने करके कहते नहीं तू अतवादी है तू इत गुरुद्वारे पनाह ली हुई है चलो जी एक उन्होंने अफसर चंगा सी उन्हें लुधियाने इनफॉर्मेशन मंगाई सरगोद खालसा हाई स्कूल की उत्थे मास्टर हरमोहन सिंह जी वो होंगे सन उन्हों तो रिटर्न मंगाया भी ये तुहाडा स्कूल का स्टूडेंट है दो दिन बाद रिटर्न उतों इनफॉर्मेशन आई भी ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ टेंथ स्टैंडर्ड ओवर हीयर फिर जाके उन्होंने भी ये तो हूँ इन होस्पिटलाइज करना पैना भी जेन्युइन बंदा है अतवादी नहीं है उन्होंने मैं बैक लुधियाने पुरानी जेल जी होंगी सी सीटता नाल ही छे साथी होर वो बच गए वो भी कुछ नहीं किया उन्होंने सानू सारे चक के कोई ऑफिसर का कोई ऐसा मैसेज आ गया होना सारे चक के लुधियाने जेल च पाता जेल वाले मैंने एक्सैप्ट नहीं करते कहते इन्हें पता नहीं कि घड़ी मर जाना असी नहीं रखना इनू या तो हॉस्पिटल भेजो इतने मर गया कौन जिम्मेवार होगा जिहड़ा कलगीधर गुरद्वारा वो जेल रोड तो बिल्कुल नाल ही ते जदों सानू पता लगा भी सानू हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तीन चार जणियां नू ते रिक्वेस्ट की तिना चौहान ने भी तीन दिन हो गए रोटी नहीं खाधी भी गुरुद्वारा साहब मैसेज कर दियो कि रोटी दे देंगे सानू चलो पिता जी हुणी मदर गुरुद्वारे के बाहर खड़े भी इतों लंघना इन्होंने भी शायद साडा बेटा भी विच होएगा पर मैं उठ नहीं सी सकदा मैं थले पिया हुआ ट्रक जिथे सू लैके चले हॉस्पिटल साड़ी माता रोन लग पी मैं सुनता कहते भी है नहीं सो इदा दे फिर मैं हॉस्पिटल तीन महीने मैं हॉस्पिटल रहा मेरे दोनों लत्तों में प्लास्टर से चढ़े मिले पाड़े हुए से उन्होंने खिच खिच के तो बस यही कहें भी तुम टैररिस्ट हो सू दसो थोड़े तो साथी कितने तो की प्लैन है ये साढ़े नाल 84 च वापरिया जो मेरे अब हड बीती साढ़े नाल हुई उस तो बाद जेल शिफ्ट करता फिर 6 महीने बाद मैं जेल चो छड्डिया उन्होंने उस दौरान सारी पढ़ाई मैसअप हो गई मेरी फिर घरदियां दी कोशिश सी भी इन्होंने बाहर कढ़ीए कितें फिर फाइनली मलेशिया सिंगापुर के जरिए होकर असीं बाहरली कंट्रीज निकल गए तो मैं 94 तक मैं वापस इंडिया नहीं गया दोबारा 94 विच मैं इंडिया गया 84 10 साल तकरीबन बाहरले मुल्कां च ही रहा क्योंकि उत्थे हालात पिता जी गुरुद्वारे ग्रंथी होने करके कोई 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ हुंदा सी चलो गुरुद्वारे पहला वो मुंडे चको बहुत ज़्यादा तंग करन लग पे सी इसलिए फिर असीं इंडिया तो उस दरम्यान निकल गए सी 84 तो बाद हौली हौली कोशिश की फिर बाहर निकल गए ट्रेन भरी हुई आई दिल्ली कानपुर तो जिहड़ी ट्रेन आउंदी सी लुधियाने वल नूं सानू याद है असी गुरुद्वारे रहिंदे सी जिहड़ा उतरिया लुधियाने सीधा गुरुद्वारा साहब आउंदा सी बहुत वड्डा गुरुद्वारा कलगीधर ते उत्थों पता लगदा सी वी की हाल ने उत्थे कतलेआम किदां हो रहा है कईआं दे कोई अद्धा सड़िया उतर रहा ट्रेन चों किसी की बांह वड्डी किसी की लत्त वड्डी असी फिर एक नौजवानां ने सिख स्टूडेंट फैडरेशन उत्थे कैंप बनाया उहदे विच जिहड़े जिहड़ा भी अपने घर जिहनूं भी रख सकदा जिन्नी देर भी वो असी सारी सूची तैयार की हौली हौली कुछ लोग गुरुद्वारे ठहरे कुछ नूं अपने घर शिफ्ट किया तो हैल्प शुरू कर दी उ सिख नौजवान सभा बनाई सी उत्थे मेरे पिता जी अज इत्थे ने मेरे कोल रहिंदे ने बट उदों दियां सट्टां हुण तक उन्होंने तकलीफ होंदी है जिंदगी दी सोच बदल के रखती जी उन्होंने 84 ने तो पहला असी सिख सीगे बॉर्न एज अ सिख उस तो बाद पता लगा भी सिखी की है ये पिछे घालना भी आप भी की होर किसे सुने
ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ।